मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन में क्लिक कीजिए ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंच सके। हाय फ्रेंड्स, मैं शुभजीत कंप्यूटर टीचिंग इंस्टीट्यूट से। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों में से ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट्स है जो जानते हैं बस कंप्यूटर एक ही तरह का होता है, लेकिन फ्रेंड्स नहीं है ऐसा। कंप्यूटर बहुत तरह का होता है, तो कंप्यूटर के साइज और काम करने का पावर और स्टोरेज कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करके कंप्यूटर को मेनली चार तरह का होता है। एक सुपर कंप्यूटर, दूसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा माइक्रो कंप्यूटर और चौथा है मिनी कंप्यूटर। तो आज हम लोग ये चार कंप्यूटर के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड डेटा प्रोसेसिंग आर द सुपर कंप्यूटर्स। तो जितना सारा कंप्यूटर्स का नाम हम लोग जाने, वो सब कंप्यूटर में से सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। दिस आर स्पेशलाइज्ड एंड टास्क स्पेसिफिक कंप्यूटर्स यूज बाई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ये कंप्यूटर्स स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर होता है, मतलब कुछ स्पेशल्स काम को करने के लिए इस कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे नासा इस टाइप का कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। दिस कंप्यूटर्स आर यूज फॉर रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन पर्पस, लाइक नासा यूज सुपर कंप्यूटर्स फॉर लॉन्चिंग स्पेस शटल्स, कंट्रोलिंग देम एंड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन पर्पस। ये सब कंप्यूटर को रिसर्च के लिए और नया कुछ खोज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे नासा अपने रिसर्च सेंटर में सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करके स्पेस को लॉन्च करना, कंट्रोल करना उस स्पेस को, ये सब का काम इससे करता है। द सुपर कंप्यूटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी लार्ज इन साइज। सुपर कंप्यूटर साइज भी बहुत ही बड़ा होता है और दाम भी इसका बहुत ही ज़्यादा होता है। इट कैन बी एकोमोडेट इन लार्ज एयर कंडीशन रूम। इसको रखने के लिए बहुत बड़ा एयर कंडीशन वाला रूम, मतलब जिस रूम में एसी लगा हुआ होगा, और वो बहुत ही बड़ा होना चाहिए। सम सुपर कंप्यूटर्स कैन स्पान एन एंटायर बिल्डिंग। कुछ कुछ सुपर कंप्यूटर को रखने के लिए एक पूरा बिल्डिंग का ज़रूरत हो जाता है फ्रेंड्स। सम एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर्स, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग जान लेते हैं सुपर कंप्यूटर का। जैसे नेशनल सुपर कंप्यूटर इन चाइना, ये चाइना में एक सुपर कंप्यूटर है। डी ओ ई एस ई वैक रिज नेशनल लेबोरेटरी यूनाइटेड स्टेट, मतलब यूनाइटेड स्टेट में भी एक सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद डी ओ ई एन एन एस ए एल एल एन एल यूनाइटेड स्टेट में, ये भी एक सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद फ्रेंड्स जापान में भी एक सुपर कंप्यूटर है, रैकिन एडवांस इंस्टीट्यूट फॉर कंप्यूटेशनल साइंस। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट में और एक सुपर कंप्यूटर है, डी ओ ई एस सी आर्गोन नेशनल लेबोरेटरी में है। तो ये सब कुछ कुछ सुपर कंप्यूटर है जहाँ जहाँ पे ये इस्तेमाल होता है, वो भी आप लोगों को बता दिए। अब आप लोग सुपर कंप्यूटर के एक फ़ोटो देख लीजिए। देखिए, ये नासा में यूज़ होने वाला एक सुपर कंप्यूटर है। आप लोग अगर सुपर कंप्यूटर का और भी फ़ोटो देखना चाहते हैं तो गूगल में जाके सुपर कंप्यूटर सर्च कर सकते, तो उसमें आप लोग को और भी बहुत सारा सुपर कंप्यूटर का फ़ोटो मिल जाएगा। अब देखिए सुपर कंप्यूटर कैसे काम करता है, कैसा होता है, उसको दिखाने के लिए मैं आप लोग को एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें आप लोग थोड़ा बहुत समझ जाएंगे कि सुपर कंप्यूटर कितना बड़ा और कैसा होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि सुपर कंप्यूटर साइज़ में कितना बड़ा होता है। एक पूरा रूम को लेके, पूरा बिल्डिंग का एक पूरा रूम को लेके ये
फैला हुआ है, बहुत सारा वायर्स इसमें लगा हुआ रहता है फ्रेंड्स। और इसको रखने के लिए जो रूम का इस्तेमाल किया जाता है वो भी एयर कंडीशन होना चाहिए और बहुत ही साफ़ सुथरा और क्लीन होना चाहिए। और इसमें बहुत सारा रैक भी बनाया जाता है, जो रैक देखिए ऊपर से दिखा रहा है अभी, बहुत सारा रैक भी इसमें बनाया जाता है क्योंकि तारों का जो बंडल होता है वो इसी रैक से गुजारा जाता है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ सुपर कंप्यूटर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। ऑल दो मेन फ्रेम्स आर नॉट एज पावरफुल एज सुपर कंप्यूटर्स, बट सर्टेनली दे आर क्विट एक्सपेंसिव नॉनथलेस एंड मेनी लार्ज फर्म्स एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज मेन फ्रेम टू रन देयर बिजनेस ऑपरेशंस। देखिए फ्रेंड्स, सुपर कंप्यूटर के तरह मेन फ्रेम कंप्यूटर उतना पावरफुल नहीं होता है, लेकिन अभी के दिनों में बहुत सारा गवर्नमेंट सेक्टर्स और पब्लिक सेक्टर्स में भी, पब्लिक सेक्टर में बहुत जो बहुत बड़ा कंपनीज हैं वो अपने डेटास को ऑपरेट करने के लिए या डेटास को सेव करके रखने के लिए भी मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है। द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कैन बी एकोमोडेट इन लार्ज एयर कंडीशन रूम बिकॉज ऑफ इट्स साइज। देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर भी सुपर कंप्यूटर की तरह ही बड़ा होता है साइज़ में, और इसको रखने के लिए भी जिस तरह का रूम का ज़रूरत होता है वो भी एयर कंडीशन रूम ही होना चाहिए और इसका साइज़ भी बड़ा ही होता है। सुपर कंप्यूटर आर द फर्स्टेस्ट कंप्यूटर विद लार्ज डेटा स्टोरेज कैपेसिटी। मेन फ्रेम कैन ऑल्सो प्रोसेस एंड स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। सुपर कंप्यूटर जैसे बहुत ही फास्ट कंप्यूटर होता है और बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी वाला एक कंप्यूटर होता है, उस तरह से मेन फ्रेम कंप्यूटर भी डेटा को स्टोर, बहुत सारा डेटा को स्टोर कर सकता है और प्रोसेस का काम जो है वो भी इसका मोटा मोटी फास्ट है। बैंक्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इंश्योरेंस कंपनीज यूज मेनफ्रेम कंप्यूटर्स टू स्टोर डेटा अबाउट देयर कस्टमर, स्टूडेंट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स। बैंक में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, इंश्योरेंस कंपनी में मेनफ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है और उससे वो लोग कस्टमर का डिटेल्स, स्टूडेंट का डिटेल्स, इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स की डिटेल्स और भी कई तरह का काम को करता है। एग्जांपल्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर फुजित्सु ICL VME और हिटाची Z800 मेन फ्रेम कंप्यूटर का एग्जांपल है। अब आप लोग देख लीजिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का एक फोटो। ये देखिए, ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी सुपर कंप्यूटर की तरह ही साइज में बड़ा होता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर जैसे ह्यूज साइज में होता है उतना उसका साइज जैसे बहुत ही बड़ा होता है, मेन फ्रेम का उतना बड़ा नहीं होता है। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर का वीडियो भी देख लीजिए, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मेन फ्रेम कंप्यूटर कैसा होता है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें दिखाया जा रहा है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक बनाने के लिए क्या क्या किया जाता है। देखिए एक पूरा रैक है, उसमें जो लोग बना रहे हैं वो उसको टोटली असेंबल कर रहा है और एक मेन फ्रेम कंप्यूटर को बना रहा है।
तो फ्रेंड्स ये था मेन फ्रेम कंप्यूटर का एक वीडियो जो आप लोगों को इसलिए दिखाया कि आप लोग थोड़ा बहुत समझ जाएंगे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर कैसा होता है। इसके बाद हम लोग मिनी कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। मिनी कंप्यूटर आर यूज्ड बाय स्मॉल बिजनेस एंड फर्म्स। मिनी कंप्यूटर को छोटे बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिनी कंप्यूटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज मिड रेंज कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर के हिसाब से नाम से भी जाना जाता है। दिस आर स्मॉल मशीन्स एंड कैन बी एकोमोडेट ऑन ए डिस्क विथ नॉट एज प्रोसेसिंग एंड डेटा स्टोरेज कैपेबिलिटीज एज सुपर कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम्स। मिनी कंप्यूटर एक छोटा मशीन होता है जिसमें कि सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर की तरह उतना डेटा प्रोसेस करने का और डेटा स्टोर करने का कैपेबिलिटीज नहीं होता है। दिस कंप्यूटर आर नॉट डिजाइन फॉर ए सिंगल यूजर। ये सब कंप्यूटर सिंगल यूजर कंप्यूटर नहीं होता है फ्रेंड्स, मतलब मिनी कंप्यूटर से बहुत सारा और भी यूजर्स जुड़े हुए होते हैं, मतलब अलग अलग जगहों में बैठ के अलग अलग स्टाफ काम करते हैं लेकिन डेटा एक ही जगह में स्टोर होता है। इस तरह का कंप्यूटर होता है ये मेनली। इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स ऑफ ए लार्ज कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन यूज मिनी कंप्यूटर फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अलग अलग डिपार्टमेंट, मतलब एक ही कंपनी का अलग अलग डिपार्टमेंट मिनी कंप्यूटर को इस्तेमाल करके अपने डेटास को एक ही जगह में स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल ए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैन यूज मिनी कंप्यूटर्स फॉर मॉनिटरिंग सर्टेन प्रोडक्शन प्रोसेस। अलग अलग जगहों में जो प्रोडक्शन हो रहा है एक ही कंपनी का, वो अलग अलग जगहों में क्या प्रोडक्शन हो रहा है उसका सारा डिटेल्स एक ही जगह में देखने के लिए मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल कुछ कुछ कंपनियां करता है। कुछ एग्जाम्पल के जान लेते हैं, जैसे कि K202 टेक्सस इंस्ट्रूमेंट, TI-990, SDS-92 एंड IBM मिड रेंज कंप्यूटर्स है मिनी कंप्यूटर का एग्जाम्पल। मिनी कंप्यूटर का एक फ़ोटो देख लीजिए, यह है मिनी कंप्यूटर का एक फ़ोटो। तो मिनी कंप्यूटर फ्रेंड्स ऐसे नॉर्मल कंप्यूटर की तरह देखने में होता है, लेकिन नॉर्मल कंप्यूटर से इसका पावर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़ा सा इसमें पावर कम ही होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग माइक्रो कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स आर ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स। हम लोग जो भी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स देखते हैं या लैपटॉप कंप्यूटर देखते हैं या PDAs देखते हैं, मतलब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स देखते हैं, या टैबलेट या स्मार्टफोन्स देखते हैं, ये सब मिनी माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है। द माइक्रो कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज्ड एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर्स सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एक कंप्यूटर है। दिस कंप्यूटर आर द चीपेस्ट अमंग द अदर थ्री टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। हम लोग पहले जो तीन कंप्यूटर के बारे में जाने, वो सभी कंप्यूटर से माइक्रो कंप्यूटर का दाम कम होता है। द माइक्रो कंप्यूटर्स आर स्पेशली डिजाइन फॉर जनरल यूजेस लाइक एंटरटेनमेंट, एडुकेशन एंड वर्क पर्पस। माइक्रो कंप्यूटर को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि ये जनरल यूजेस लाइक, जैसे कि पर्सनल कामों के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए या एडुकेशन के लिए या कुछ भी नॉर्मल कामों के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। वेल नोन मैन्युफैक्चरर ऑफ माइक्रो कंप्यूटर आर डेल, एप्पल, सैमसंग, सोनी, तोशिबा एक्सेट्रा। मतलब सबसे ज़्यादा जो कंपनियां माइक्रो कंप्यूटर को बनाता है, जो है कि डेल है, एप्पल है, सैमसंग है, सोनी है, तोशिबा है। अभी फ्रेंड्स और भी बहुत सारे कंपनियां हैं, सबका नाम यहाँ पे लिखना और बोलना भी मतलब इतना आसान नहीं है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, गेमिंग कंसोल, साउंड एंड नेविगेशन सिस्टम ऑफ ए कार, नेटबुक्स, नोटबुक्स, PDAs, टैबलेट PCs, स्मार्टफोन्स, कैलकुलेटर्स आर ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। मतलब फ्रेंड्स डेस्कटॉप कंप्यूटर, गेमिंग कंसोल, साउंड नेविगेशन सिस्टम, नेटबुक्स, नोटबुक, PDAs, टैबलेट PCs, स्मार्टफोन, कैलकुलेटर्स, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर के कैटेगरीज में आता है। अब देखिए माइक्रो कंप्यूटर का फोटो देख लीजिए, नॉर्मल जो हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर को, वो सब माइक्रो कंप्यूटर्स ही है। तो फ्रेंड्स हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत जान गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।